हेलो दोस्तों, मैं अशुभ, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज मेरे पास है यामाहा आरुन 5 रेड कलर में। चलिए आपको बताते हैं इस गाड़ी के बारे में और स्टार्ट करते हैं उस वीडियो में। दोस्तों आपके सामने यामाहा आरुन 5, यहाँ पर कुछ इसमें नए कलर इंट्रोड्यूस किए गए हैं, जिसमें से कि एक आपके सामने है मेटालिक रेड, इसके अलावा रेसिंग ब्लू और एक प्योरली न्यू कलर यहाँ पर आया है, विविड मैजेंटा मेटालिक। तो यहाँ पर प्योरली न्यू इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वैसा कोई ऑप्शन पहले अवेलेबल नहीं था। बाकी रेड और ब्लू ये दोनों ऑप्शन तो पहले भी आपके पास अवेलेबल थे। एंड यहाँ पर आप देखेंगे तो इसकी जो बैजिंग वगैरह है ये आपको डिफरेंट देखने को मिलती है, पूरे इसके ग्राफिक्स वगैरह। तो यहाँ पर आप देखेंगे वीवी की जो बैजिंग इसमें आपको मिलती है वो भी यहाँ पर चेंज देखने को मिल जाता है इसमें भी। एंड इसके अलावा इसके फेयरिंग में आपको दिखाऊँ तो यहाँ भी आपको आरन 5 वगैरह की बैजिंग मिलती थी। एंड ये पोर्शन इधर आपको ब्लैक से थोड़ा देखने को मिलता था, तो वो भी चीज़ यहाँ पर हटाकर टोटली इसको पूरा सेम कलर से कर दिया गया है। एंड जो इसके सस्पेंशन थे फ्रंट में, ये आपको गोल्डन कलर में देखने को मिलते थे, बट अभी इसको भी ब्लैक कर दिया गया है। तो कुछ ऐसे यहाँ पर आपको चेंजेस देखने को मिल जाएंगे। एंड अब स्टार्ट करें इस गाड़ी के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखेंगे तो इधर फ्रंट में आपको काफ़ी बड़ा सा पूरा ये वाइज़र मिल जाता है इधर आपका ट्रांसपेरेंट में। एंड हेडलैम्प यहाँ पर आपको प्रोजेक्टर सेटअप में देखने को मिलते हैं, प्लस इधर आपको DRLs मिल जाएंगी। एंड इसके अलावा बात करें इसके व्हील्स की, तो यहाँ पर कुछ ऐसे आपको डिज़ाइन में अलॉय व्हील्स देखने को मिल जाएंगी। एंड टायर साइज़ की बात करें तो यहाँ पर आपको 180/17 सेक्शन का टायर इसमें देखने को मिल जाता है। बाकी इधर आपको दिखाऊँ तो इधर आपको फ्रंट में 282 mm का डिस्क देखने को मिल जाता है इसमें, एंड जिसमें आपको वाइब्रेरी कैलिपर्स देखने को मिलते हैं। साइड में इधर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको इसके टर्न सिग्नल्स मिल जाएंगे हैलोजन बल्ब के साथ में आपको देखने को मिलते हैं। एंड इसके अलावा इधर भी आप देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको नेट वगैरह इसमें देखने को मिल जाती है, जिससे कि यहाँ पर इंजन में प्रॉपर एयर इनटेक बना रहेगा। एंड ऊपर में आपको इधर काफ़ी बड़ा सा रेडिएटर ग्रिल देखने को मिल जाता है। बाकी इधर साइड से आपको दिखाऊं तो पूरा पोर्शन आपको कवर्ड देखने को मिल जाते हैं। इधर आपको आरुन 5 वर्जन 4.0 की बैजिंग वगैरह मिल जाएगी। एंड इसके अलावा यहाँ पर भी आपको यामाहा वगैरह की बैजिंग मिल जाएगी। एंड इधर भी आपको यामाहा की बैजिंग देखने को मिल जाती है। बाकी फुटरेस्ट वगैरह यहाँ पर आपको पूरा एल्यूमिनियम में देखने को मिल जाते हैं, या इधर आपको ब्रेक्स वगैरह मिल जाती हैं, यहाँ पर आपको रियर फुटरेस्ट देखने को मिल जाते हैं। एंड इसके अलावा इधर आप देखें तो काफ़ी बड़ा सा इसका पूरा एग्जॉस्ट सिस्टम आपको देखने को मिल जाता है। बाकी इसके फ्रेम की बात करें तो यहाँ पर आपको डेल्टा बॉक्स फ्रेम देखने को मिलता है। एंड ये पोर्शन आप देखेंगे पूरा आपको ब्लैक से ही देखने को मिलता है यहाँ पर। तो बात करें यहाँ पर रियर व्हील्स की, तो सेम आपको ब्लैक अलॉय व्हील देखने को मिल जाएंगे। एंड रियर में जो आपको टायर्स मिलते हैं आपको 140/70 R17 यहाँ पर इसका टायर साइज देखने को मिल जाता है। एंड ये आपको रेडियल टायर देखने को मिल जाता है और काफ़ी वाइड टायर यहाँ पर देखने को मिलते हैं। बाकी ब्रेक्स की बात करें तो 220 mm का डिस्क देखने को मिलता है। एंड यहाँ पर आपका इसमें डुअल चैनल ABS ऑफर किया जा रहा है, प्लस इधर आप देखेंगे तो आपको टायर हगर वगैरह मिल जाएगा। बाकी ये पूरा पोर्शन आपका ओपन ही है, तो इधर का ये सेक्शन जितना है आपका ये काफ़ी ज़्यादा गंदा होने वाला है। अगर आप थोड़ा सा भी ऑफ रोडिंग कर देते हैं, थोड़ा सा भी कीचड़ वगैरह में मिट्टी में बाइक चला लेते हैं, तो ये पोर्शन पूरा आपका गंदा हो जाएगा। बाकी इधर आप देखें तो एग्जॉस्ट जो है इसका काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा है। इस साइड में आप देखेंगे तो इधर आपको रिफ्लेक्टर्स मिल जाएंगे, बाकी इधर आपको रियर इंडिकेटर्स वगैरह मिल जाएंगे, इधर आपका नंबर प्लेट लाइट दी हुई, बाकी रियर में कुछ ऐसी लाइट आपको देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर इस साइड से आपको देखो कुछ ऐसा लुक देखने को मिल जाएगा। एंड यहाँ पर आपको इधर साड़ी गार्ड वगैरह मिल जाएगा, इधर आपको रियर फुटरेस्ट मिल जाएंगे, बाकी इधर आपका एल्यूमिनियम सिंगार्म देखने को मिलती है। एंड ओपन चेन सिस्टम है, तो उसको आपको टाइम टू टाइम क्लीन करते रहना पड़ेगा, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। एंड इधर आप देखेंगे यहाँ पर आपको 6-speed ट्रांसमिशन का इसका गियर लीवर मिल जाएगा। बाकी इंजन की बात करें तो यहाँ पर आपको 155cc का 4-stroke 4-valve SOHC लिक्विड कूल्ड इंजन देखने को मिलता है, जो कि प्रोड्यूस करता है 18.4 PS की पावर एंड 14.2 Nm का टॉर्क। तो यहाँ पर काफ़ी पावरफुल बाइक है ये, एंड इसके साथ ही साथ फ्यूल एफिशिएंट भी है। एंड इसकी आपको DRLs ऑन करके दिखाता हूँ, तो यहाँ पर कुछ ऐसी DRLs आपको देखने को मिलती हैं जो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही हैं। एंड इसके साथ ही साथ जैसे ही आप इग्निशन ऑन करते हैं वैसे ही आपकी रियर लाइट और DRLs दोनों ही ऑन हो जाती हैं। एंड ये आप देखेंगे पूरा ये आपको LED में देखने को मिल जाती है, बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है ये। तो यहाँ पर अब बात करें इसके हैंडल बार वगैरह की, तो काफ़ी यहाँ पर थोड़ा सा इसमें आपका जो राइडिंग पॉस्चर है वो थोड़ा सा स्पोर्टी होने की वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा इसमें झुक कर बैठना पड़ेगा।
एंड जो हैंडल बार है कुछ ऐसा आपको क्लिप ऑन टाइप के हैंडल बार्स देखने को मिल जाएंगे। इधर आप देखें तो इसमें आपको हाई बीम, लो बीम और पास लाइट इसमें इंटीग्रेटेड मिल जाती है। प्लस इधर आप देखेंगे तो इधर आपका इंडिकेटर के स्विच मिल जाएंगे, यहाँ पर हॉर्न मिल जाता है एंड हॉर्न यहाँ पर आपको डुअल हॉर्न देखने को मिलता है। हॉर्न आपको इसका मैं सुना भी देता हूँ यहाँ पर, तो कुछ ऐसा यहाँ पर हॉर्न है, इस पर काफ़ी लाउड हॉर्न आपको देखने को मिल जाता है। प्लस इस साइड में आप देखेंगे यहाँ पर आपका इंजन किल स्विच इंटीग्रेटेड सेल्फ स्टार्ट स्विच के साथ मिल जाता है। इधर आपका हैजर्ड लाइट का स्विच मिल जाएगा, बाकी यहाँ पर आपको एक स्विच दिया है जिससे आप इसमें ट्रिप और बाकी अपना इन्फो वगैरह अपने इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में चेक कर सकते हैं। एंड इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे इधर आपको फुल डिजिटल में इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिल जाएगा। एंड उससे पहले आपको कीज़ दिखाऊँ तो कुछ ऐसी कीज़ यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं आपको। एंड ऑन कर लेते हैं इसे तो इधर आप देखिए यहाँ पर आपको कॉलिंग का नोटिफिकेशन प्लस SMS वगैरह, फिर से मैं आपको दिखा दूँ तो इधर आपको ये सारी चीज़ें भी मिल जाएंगी। ट्रैक्शन वगैरह का आपको इसी में नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इधर आपका ABS लाइट वगैरह मिल जाएगी एंड प्लस इधर आपको न्यूट्रल वगैरह का सिंबल वगैरह देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर इसमें आप ये जो स्विच आपको मैंने दिखाया था, इस स्विच के थ्रू यहाँ पर इंफॉर्मेशन अपना चेंज कर सकते हैं, ट्रिप्स हो गई, बाकी आपका ऑडो वगैरह आप इससे चेक कर सकते हैं। एंड इसके अलावा जो ये इन्फो, इसी बटन को राइट साइड अगर मैं प्रेस करता हूँ तो इधर आपकी बाकी सारी चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे कि यहाँ पर आपका एवरेज हो गया एंड इसके अलावा ट्रैक्शन ऑन ऑफ है, बैटरी का जो वोल्टेज है वो कितना है, कूलेंट टेम्परेचर वगैरह। एंड इसके अलावा इसको आप यहीं से ट्रैक या स्पोर्ट स्ट्रीट मोड में चेंज कर सकते हैं। तो जैसे इसको लॉन्ग प्रेस करके रखूँगा मैं, वैसे ये ट्रैक टू स्ट्रीट या स्ट्रीट टू ट्रैक मोड में चेंज हो जाएगी और इधर आपको ऊपर ये चीज़ शो भी होने लगेगी। बाकी इसके अलावा इधर आपका स्पीडोमीटर वगैरह मिल जाएगा, ऊपर में गियर पोजीशन इंडिकेटर, इधर आपको टाइम मिल जाता है एंड नीचे में आपको फ्यूल गेज वगैरह देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप फ्यूल टैंक देखेंगे, इसका काफ़ी मस्कुलर सा फ्यूल टैंक मिल जाता है। इधर आपको यामाहा का लोगो मिल जाएगा, इधर आपको यामाहा मोटरसाइकिल कनेक्ट, तो यहाँ पर ये बाइक ब्लूटूथ इनेबल्ड है। आप अपना फ़ोन वगैरह जैसे इसमें कनेक्ट करेंगे आप यहाँ पर सारे नोटिफिकेशंस देख सकते हैं अपने कॉलिंग, ईमेल, मैसेजेस वगैरह के। बाकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो इसमें आपको 11 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिलती है। ये बाइक आपको E20 कंप्लायंट भी देखने को मिल जाएगी। एंड सीट्स की बात करें तो सीट्स यहाँ पर कुछ ऐसी आपको डिज़ाइन में देखने को मिल जाएंगी, थोड़ा सा सॉफ्टर साइड में ही है। जो पिलियन के लिए यहाँ पर सीट है ये थोड़ा सा छोटी देखने को मिलती है, तो मे भी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हो जो भी यहाँ पर पीछे बैठ रहा है। एंड इस सीट को ओपन करने के लिए आपको यहीं पर एक की होल दिया हुआ है, तो आप यहीं से इसको ओपन वगैरह कर सकते हैं। बाकी सीट हाइट की बात करें तो यहाँ पर आपको 1815 mm की इसकी सीट हाइट देखने को मिलती है एंड जो ग्राउंड क्लियरेंस है ये आपको 170 mm का देखने को मिल जाता है। तो आइए अब आपको सुनाते हैं इसका एग्जॉस्ट हॉर्न। कुछ ऐसा एग्जॉस्ट नोट आपको देखने को मिल जाता है। तो ये रही इस बाइक की साइड डिटेल, बाकी आप बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपको ये रेड कलर कैसा लगा। एंड यहाँ पर बात करें इसकी प्राइसिंग की तो आपको कॉस्ट करती है 1,82,000 rupees एक्स शोरूम। एंड इस प्राइस पॉइंट पर एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन बन जाता है क्योंकि आपको बाइक में पावर अच्छी मिल जाएगी या आपको फ्यूल एफिशिएंसी अच्छी मिल जाएगी, बट यहाँ पर आपको दोनों ही चीज़ें अच्छी देखने को मिलती हैं एंड स्पोर्टी लुक के साथ आती है। तो अगर आपको इसके राइडिंग पोस्चर वगैरह से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप ज़रूर इस बाइक को कंसीडर कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो में इतना ही एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।